साथियों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंबेडकर पार्क में। आज जो है बाबा साहब की 131वीं जयंती है और जो है जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ में जो है बहुजन समाज के कुछ लोग हैं जो है बहुजन अड्डा के नाम से कोचिंग चलाते हैं, यूथ अड्डा के नाम से। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह से वो जो है चलाते हैं, किस तरह से चलाते हैं आप लोग। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले पूरे देशवासियों को आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम है मंजुला आनंद। मेरा जो एजुकेशन हुआ है, मैं मास्टर कंप्लीट हुआ है, मेरा बुद्धिज्म में मैंने मास्टर को कंप्लीट किया है। उसके साथ साथ हम और मेरा भाई सिद्धार्थ प्रताप आनंद दोनों लोग मिल करके हमने कोचिंग अपना चालू किया हुआ है। सिकरौरी में ही है, लखनऊ में ही है, सिकरौरी नाम की एक जगह है, दुबग्गा में। तो वहीं से बच्चे हैं, इनको हम कोचिंग पढ़ाते हैं। उसके साथ इनकी एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ हम इनको आगे ये हायर एजुकेशन के लिए कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उसके साथ साथ अदर फील्ड में ये कैसा अपना करियर बना सकते हैं, और प्लस साथ में अभी बहुजन हमारे जितने भी महापुरुष रहे, बाबा साहब, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबारा फुले बेरियार, संत गाड़गे बाबा, झलकारी बाई, उदा देवी, इनके बारे में हम अभी से इनको जानकारी, उनके संघर्ष क्या उनकी कहानी रही है, कैसे उन्होंने संघर्ष करके हमें इतनी, क्योंकि अगर हम 1800 का आगे देखते हैं, फिर हम 1900 वाला जब दौर देखते हैं, तो हमारे पास आज जो हमारे पास आज़ादी है अंबेडकर पार्क में, हमारे पास एक बहुजन के नाम से एक जगह है जहां पर हम आ करके अपने विचार रख सकते हैं, ऐसा हमारे पहले पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन जब बाबा साहब ने संघर्ष करके संविधान लिखा, उसके पहले ज्योतिबाराव फुले ने जो एजुकेशन का, शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, क्रांति करी भारत में, पहली क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में उनकी ही रही है, सावित्री बाई फुले और ज्योतिबारा फुले, तो हम उनको भी नमन करते हैं। उनके संघर्षों को हम लोग बच्चों को बताते हैं, और उसके साथ साथ बच्चों की जो पेरेंट्स है, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चों के पेरेंट्स, क्योंकि हम बच्चे को तो पढ़ा लेंगे, पेरेंट्स को नहीं बता पाए तो हमारा जो मूवमेंट है, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ बच्चों को भी हम गाइड, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी गाइड करने, क्योंकि अगर बच्चे को करना, उसके लिए जो डिसीजन लेता है वो पेरेंट्स ही लेते हैं, तो उनको भी साथ में कराते हैं। और साथ में एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ अगर वो बहुजन समाज और जो हमारा संघर्ष रहा है उसके बारे में पहले से जानेंगे, तो शायद बहुत अच्छी क्रांति कर सकते हैं। और बाबा साहब जैसा चाह रहे थे, जैसा युवा वो चाह रहे थे, वैसा बना पे निकल पाएंगे, क्योंकि हमारा जो बचपन रहा है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें वो शिक्षा दी थी, तब हम आज यहाँ पर खड़े। अगर हमें हमारे पेरेंट्स ने शिक्षा नहीं दी होती, तो आज हम यहाँ पर नहीं होते, इनको गाइड नहीं करते, इनको पढ़ा नहीं होते, हम खुद ही पढ़ रहे होते। आपके यूथ अड्डा में कितने लोग जैसे कि टीचर हैं, क्या पैसे का मैनेजमेंट होता है, कैसे करते हैं आप? पैसे का मैनेजमेंट अभी फिलहाल के लिए नहीं, हम कोचिंग सिर्फ फ्री में ही पढ़ाते हैं। हाँ, कुछ स्टार्टिंग में हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से हमें जो ब्लैक बोर्ड वगैरह, मार्कर वगैरह, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसको ला करके उन्होंने तब हमें हेल्प करी थी, हम ला करके अपनी कोचिंग सेंटर। और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो खुद से सपोर्ट करते हैं, महीने महीने में उन्होंने बना के रखा है कि वो 50 रुपये या 10 रुपये, 20 रुपये, जितना जिस बच्चे से होगा वो एक यूथ अड्डा का गुल्लक है उसमें डालेंगे, और जब भी हमें एक्टिविटी के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो ला करके हम वहाँ पर रखेंगे। और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं कराते हम, बच्चों को गेम, एक्टिविटी, ड्रामा, डांस, इनके थ्रू जैसे भी हम उनको सिखा सकते हैं, छोटी छोटी क्विज करके हम वैसे इन बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि कहा जाए कि अगर एक क्लासरूम बना करके सिर्फ बच्चों को बोर्ड पे पढ़ा रहे तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ माइंड थोड़ा काम करता है, बॉडी शिथिल रहती है, लेकिन जब हम एक्टिविटी करा करके कराते हैं तो बॉडी और माइंड से बच्चा वहीं पर प्रेजेंट रहता है, वो अच्छे से चीज़ें सीखता है। और हमारे बच्चों से भी बात कर सकते हैं, काफ़ी उनको ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और मज़ा आता है उनको। खासकर बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो है हिंदू कोड बिल लाया, और हिंदू कोड बिल को किस नज़र से देखते हैं आप? हिंदू कोड बिल को इस नज़र से देखते हैं कि जो एक क्रांति हम वहाँ से देखते हैं, सावित्री बाई फूले की वहाँ से अगर देखते हैं, एजुकेशन का जो क्रांति उन्होंने किया, तो सिर्फ उन्होंने बहुजन महिलाओं के लिए ही स्कूल नहीं खोला था, उन्होंने देश की जितनी महिलाएं थी भारत की, उन सबके लिए स्कूल खोला। उसी तरीके से बाबा साहब ने जब उन्होंने अपना मूवमेंट चालू किया, उन्होंने जानना शुरू किया, तो देखा कि हाँ, यहाँ पर भी महिलाओं की, वो महिला स्पेशल बहुजन की है या शूद्र महिला है उससे नहीं, हर महिला की स्थिति जो थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय थी, इसीलिए उन्होंने स्पेशल महिलाओं के लिए लेकर के वो हिंदू कोड बिल आए। उसमें ये नहीं था कि ये बहुजन की महिला है या इनकी महिला है, ये इसके लिए है, उन्होंने जितनी महिलाएं थी, सर्व समाज की महिलाएं थी, उनके लिए एजुकेशन, वो हिंदू कोड बिल स्पेशल अगर वो नहीं लाते, तो शायद हम महिलाओं को संपत्ति का जो अधिकार है,
या फिर हम पिता की अधिकार में लड़ सकते हैं, पति से हम लड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम आगे क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, हम वो नहीं बढ़ पाते अगर बाबा साहब वो स्पेशल हिंदू कोड भी लेकर। बहुजन मूवमेंट चलाने के लिए जो है एक जज्बा चाहिए, क्योंकि जो मनुवादी हैं वो बहुजन मूवमेंट चलने नहीं देते हैं। अब देखा जाए तो राजस्थान में जो है एक दलित परिवार से जितेंद्र मेघवाल के जो है मोच को देकर उसको मार दिया जाता है, तो किस तरह से आप बहुजन मूवमेंट चलाएं? देखिए अगर बहुजन मूवमेंट को देखा जाए तो बहुजन मूवमेंट चल ही रहा है, वो एक को मारते हैं 10 पैदा हो जाते हैं, वो एक को ख़त्म करेंगे तो, क्योंकि अगर ये मूवमेंट अगर यूथ का मूवमेंट अगर हम देखते हैं ना तो हम देखते हैं रोहित मोमिल्ला को जब से मारा गया था यूनिवर्सिटी में, जब से मोहित मोमिल्ला ने सुसाइड किया था, ये जो यूथ मूवमेंट है ये वहाँ से निकल के आ रहा है। तो हर जगह पे वो कहीं ना कहीं, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल हो, चाहे पायल, डॉक्टर पायल हो, इन सबको मारा जा रहा था, लेकिन वो एक को मारते हैं 10 खड़े हो रहे हैं, हम जैसे युवा और हम जैसे आप जैसे बहुत सारे युवा हैं जो काम कर रहे हैं, हमें हम उन तक नहीं पहुँच पा रहे, मीडिया उन तक नहीं पहुँच पा रही, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और ये मूवमेंट विचारधारा का है, तो विचारधारा कभी रुकती नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भी कह के कि आप एक बाबा साहब को मार सकते हो, क्योंकि मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं विचारधारा हूँ, विचारधारा कभी ख़त्म नहीं होती। अक्षर का मनवादियों की वजह से जो भी, लेकिन अगर हम एजुकेटेड हैं और हम एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि कोई कुछ भी बोले मैंने तो एजुकेशन लिया है, हम तो पढ़े, हमारी भी एक समझदारी, हमारा भी एक थॉट है, हमारी भी एक सोच है, तो पहले हम दोनों चीज़ों को देखें। जैसे बुद्ध बोल गए कि ना तो आप ऊपर जाओ ना तो नीचे जाओ, मध्यम मार्ग में रहो, तब आप किसी चीज़ को जज करने से पहले आप दूसरे पक्ष को भी देख लीजिए, तभी आप जा कर के किसी भी विचारधारा में फंसिए। और विचारधारा में फंसने से अच्छा कि आप क्या सोच रहे हैं। आप अगर एक लड़की को मारा जा रहा है, उसको गाली दी जा रही है, या फिर हम आपस में जो लड़ाई करते हैं उसमें भी बहन बेटियों की गाली दे रहे हैं, तो अगर हम बाद में महिला सशक्तिकरण का अगर नारा दे रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आती, आपको एक चीज़ को तो छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से आप जो है बहुजन मूवमेंट को लेकर चल रही हैं, आगे का प्लान क्या है, आगे की रणनीति क्या होगी इस तरह से? अभी तो हमारे पास टाइम था, लॉकडाउन था, कहीं एडमिशन नहीं लिया था, मास्टर का कंप्लीट करें लास्ट ईयर था, तो उसके साथ साथ हमने सोचा कि क्या करें, बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, हम पढ़ें दूसरों को बताएं, तो ये तभी विचारधारा चलती रहेगी। तो अभी तो कोचिंग पढ़ा रहे, फिलहाल का मेरा जो आगे का प्लान है कि मुझे अभी हायर एजुकेशन लेना है और मुझे PhD अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद क्योंकि क्या है कि जब मेरे पास हायर एजुकेशन होगा, मेरे पास और भी मुझे जानकारी इकट्ठा करनी है कि इस मूवमेंट को अगर आगे बढ़ाना, मुझे यूथ अड्डा को आगे बढ़ाना, तो मुझे खुद और जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो पहले तो हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद, लेकिन हाँ यूथ अड्डा कोचिंग जो है, हमने हमारे जो यूथ है बच्चे, हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आप खुद भी पढ़िए, आप अपने से नीचे वाले बच्चों को तो आप पढ़ा सकते हैं, तो वो चल रहा है। हमारे से जो नीचे वाले बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, या हाई स्कूल में, इंटर में हैं, वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को 1 घंटा का टाइम देते हैं और उनको पढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं यूथ अड्डा, जो बहुजन मूवमेंट का काम करती हैं यहाँ पे। यूथ अड्डा को मजबूत करने के लिए जो है आप ट्रांजेक्शन ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, हम इनसे जानेंगे UPI नंबर क्या है। UPI नंबर आप बोलिए, हम आपको मदद करने की जरूरत। मेरा नंबर है 7985755322। तो आप लोग जो है इनके UPI नंबर पर जो है यूथ अड्डा को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और हम आपको कहेंगे इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है।